अरे पीछे ही से बना ना यार। अरे ओ भैया, ओ भैया, अरे इधर आइए ना जी। गंगा फैलना हो वो देखो जा सरकार के द्वारा पुलिस मुख्यालय के हम लोगों को सीआरपीएफ की दो आरएएफ कंपनी मुहैया कराई गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है दंगा नियंत्रण होता है। अभी आपने इनका प्रदर्शन देखना शुरू किया है, ये आप लोग अपना प्रदर्शन करने के बाद रूट मार्च भी करेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि ऐसे तो शांति बनी ही रहेगी, परंतु हमारी तैयारी भी पूरी आप सभी को दिखाई दे और आम जनता के अंदर भी जो है मन में अगर किसी प्रकार का कोई भय हो वो दूर हो जाए। चलिए थैंक यू। कोई जाहिर सी बात है, देखिए क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनी रहे और जो पूर्व में घटना हुई है उसके आलोक में कई संवेदनशील स्थानों पर फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति की गई है, आरएएफ की भी प्रतिनियुक्ति हुई है। आज यहाँ पे जो अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है उसका एक मॉक ड्रिल करवाया गया है, उनको ब्रीफिंग की गई है सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा। उसके अतिरिक्त जो ये वज्र वाहन वाटर कैन यहाँ पे अन्य जिलों से आए हैं, इनकी भी एक प्रिपेयर्डनेस की और इनकी जो वाहन परेड जिसे बोला जाता है वो करवाया गया। सर बैरिकेडिंग वगैरह भी शामिल है, देखिए वो एहतियातन जहाँ पे संवेदनशील स्थान है वहाँ पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ बैरिकेडिंग की गई है और उसके अतिरिक्त वहाँ पे फोर्सेस और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति है। सर रांची पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में ब्रज वाहन ये सब उपलब्ध है? देखिए सभी जो इक्विपमेंट है वो उपलब्ध है, उनका एक स्टॉक टेकिंग किया गया है, उसको मॉक ड्रिल भी कर दिया गया है और हमें आशा है कि जिस तरह से तैयारी की गई है किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी। और लोगों से भी ये अपील है कि आप किसी भी अफवाह से बचें और प्रशासन का पुलिस का सहयोग करें, शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखें। अरेस्टिंग वगैरह देखिए वो लगातार चल रही है और इसमें जो टीम्स बनी है वो अपना कार्य कर रही है, जो अरेस्टिंग की फिगर आपको अलग से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। Thank you.